Uninterrupted. I'm just asking you. I think you आप दो लोगों से बात कर रही हैं तो no, I actually agree with a little bit. मैं एक तो एक और दिखाना चाहता हूँ. ये बद्दयांती, ये इंटेलेक्चुअल बद्दयांती है जिसको हम फेस कर रहे हैं. ठीक है. और ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसे लोग जो लेफ्ट विंग पे हैं, वो इंटेलेक्चुअल बद्दयांती इतने आराम से करते हैं. 70s और 80s में राइट विंग के लोगों ने 70s और 80s में राइट विंग के लोगों ने ये बद्दयांती की थी, और मैं मानता हूं अब बड़ी डिठाई से लेफ्ट विंग के लोग रोज बद्दयांती करते हैं. बीबीसी के ऊपर छापा गया कि औरतों को नीचे बिठाया गया, मर्दों को, और ये वही किताबें हैं. उन्हीं किताबों में लड़का भी नीचे बैठा है और औरतें ऊपर बैठी हुई हैं. डिफरेंट किताबें हैं, घर की डिफरेंट सेटिंग्स हैं. मैं आपके घर कई दफा आया हूं, कई दफा आप ऊपर बैठी होती, काशिफ नीचे बैठा होता है, कई दफा वो उधर बैठा हुआ है, टांगे उसने आसमान की तरफ की हुई है, आप नीचे बैठी हुई हैं. इट डजंट मीन आपके इक्वल राइट्स नहीं है. सो सेम गोज टू अदर होम्स, राइट? लोग ऐसे ही बैठते हैं अपने अपने घरों में, जहां पर लोग फैमिलीज के अंदर बैठते हैं. कहीं पर हस्बैंड ऊपर बैठ सकता है, बीवी नीचे, कहीं पर हस्बैंड नीचे बैठा बच्चों के साथ खेल रहा है और बीवी ऊपर बैठ सकती है. तो ये जो दिमाग के अंदर का खन्नास है, खन्नास बुरा वर्ड नहीं है, इसको गुस्सा ना कर रहे, ये पार्लियामानी वर्ड है. ये जो दिमाग के अंदर का खन्नास है कि हर सूरत साबित करना है कि पाकिस्तान जो है वो औरतों के लिए सेफ नहीं है. ये एक और जरा जूम कीजिएगा. फोर्ब्स एक दुनिया का बहुत ही मुस्तनद अदारा है जो जर्नलिज्म में, रिसर्च में मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर करता है. ये इन्होंने दुनिया के 20 जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर वुमेन है उनकी लिस्ट बनाई है. अल्लाह के करम से ना पाकिस्तान पहले पे आता है, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे. पढ़ के क्विकली आपको चंद मुल्क बता देता हूं. जो यहां पर धनिया बेचा जाता है कि पता नहीं हाय हाय यहां पर क्या हो गया. साउथ अफ्रीका पहले पे, ब्राजील दूसरे पे, रशिया तीसरे पे, मैक्सिको चौथे पे, ईरान पांचवें पे, डोमिनिकन रिपब्लिकन छह पे, इजिप्ट सात पे, मोरक्को आठ पे, इंडिया नौ पे, थाईलैंड दस पे, मलेशिया ग्यारह पे, सऊदी अरेबिया बारह पे, टर्की तेरह पे, अर्जेंटीना चौदह पे, चिली जो है वो पंद्रह पे, कंबोडिया सोलह पे, बहरीन सत्रह पे, टूनिसिया 18 पे, दो मुल्क रह गए 19 पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 20 पे यूक्रेन. तो आप क्या बेचते हैं यहां पर? आप क्या लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं? आप लोग इस तरह की एकेडमिक बद्दयांती के दो किताबें हैं, एक में बच्चियां नीचे बैठी, आप बीबीसी के ऊपर पूरा फीचर लिख मारते हैं, और बीबीसी की भी बद्दयांती को शाया करते हैं बगैर देखे हुए. ये कहां का जर्नलिज्म है कि आप वो पूरी किताबें नहीं देखते? मैंने ऐसा जर्नलिज्म नहीं देखा. जर्नलिज्म में आपको यह बताया जाता है कि आपने पूरी पिक्चर देनी है. जर्नलिज्म में आपने अदर साइड का व्यू भी देना है. आपने किस तरीके से एक किताब उठा के उसके ऊपर स्टोरी लिख दी? आप ह्यूमिलिएट करते हैं पाकिस्तान.